नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube के चैनल दिनेश हेल्थ में। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था आपके लिए, उसमें मैंने बताया था कि एमनियोटिक फ्लूड जो है वो कम होने के क्या कारण होते हैं और एमनियोटिक फ्लूड क्या होता है, इसके बारे में पूरा मैंने आपको बताया था। और मैंने बोला था कि आपको एक नया वीडियो मिलेगा, उसमें आपको लक्षण वगैरह मिलेंगे और इसका उपचार मिलेगा। तो वही वीडियो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसके सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एमनियोटिक फ्लूड कम होने के लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, लक्षण की बात करें तो इसमें कुछ स्पेसिफिक सिम्टम नहीं आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम हैं जैसे कि अगर आपका जो पेट है, वो पेट जो है अगर आपका कम बढ़ा हुआ है या बढ़ नहीं रहा है, वो जैसे स्थिति में है उसी स्थिति में है। मतलब एक तो नॉर्मली आप देखते हैं कि जो गर्भवती महिलाओं का जितना पेट बाहर होना चाहिए उतना पेट आपका नहीं हो रहा है, तो ये एक सिम्टम हो सकते हैं कि आपका जो इम्यूनिटिक फ्लूड है वो उसमें कम है। क्योंकि होता ऐसा है कि जैसे जैसे आपका फ्लूड बढ़ता है तो उसी तरीके से जो है आपका पेट का साइज़ जो है बढ़ता रहता है। तो अगर आपका पेट का साइज़ थोड़ा कम है तो ये सिम्टम हो सकता है कि आपके जो है इम्यूनिटिक फ्लूड कम है। इसके अलावा एक और बात करें तो अगर आपका बच्चे का जो मूवमेंट है, आपके अंदर जो शिशु है अगर उसका मूवमेंट कम हो रहा है, तो उसमें भी जो है एक इशू हो सकता है कि अगर आपका जो इम्यूनिटी फ्लूड कम है। क्योंकि होता ऐसा है कि बच्चा जो है उस पानी में तैरता रहता है, और बच्चा जब छोटा होता है तो पूरा उस पानी में जो है गुलाटा लेता रहता है। तो इस प्रकार से अगर उसमें पानी उसको नहीं मिलेगा तो वो जो है ये प्रक्रिया नहीं कर पाएगा, और जिससे जो है आपको बेबी के किक और जो है आपको उसकी मूवमेंट जो है कम महसूस होगी। तो अगर आपको ऐसा सिम्टम मिल रहा है तो इसका जो लक्षण हो सकता है कि आपके अंदर एमनियोटिक फ्लूड कम है। इसका तीसरा पता करने का तरीका है दोस्तों कि आप जब सोनोग्राफी करवाने जाते हैं तो उसमें भी जो है आपके एनोमेटिक फ्लूड इंडेक्स जो होती हैं उसको सेंटीमीटर में जो है मेजर किया जाता है, तो वो सोनोग्राफी के ऊपर लिखा हुआ आता है। तो उसमें भी जो है आप चेक कर सकते हैं, या फिर जो है डॉक्टर भी आपको बता देते हैं कि आपके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूड जो है कम है। इसके अलावा एक और सिम्टम की बात करें तो अगर आपको पेट में कभी हल्का हल्का दर्द भी लगे तो ये भी जो है सिम्टम हो सकता है कि आपका जो है इम्यूनिटी फ्लूड कम है। तो इस प्रकार के अगर कोई सिम्टम आपको दिखे तो तुरंत जो है आप बिना देर के डॉक्टर से जो है जरूर संपर्क करें। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ निवारण के उपाय की, या फिर उसको कहते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में दोस्तों मैं मेडिकल ट्रीटमेंट की बात नहीं करता हूँ। मेडिकल ट्रीटमेंट में दोस्तों वही केमिकल वगैरह आपके कुछ गोलियाँ वगैरह दी जाएगी, उस प्रकार का ट्रीटमेंट होगा। मैं आपको जो है नेचुरल ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ, और नेचुरल ट्रीटमेंट कैसा होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें होता ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको अपने शरीर को जो है डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, मतलब शरीर को पूरा हाइड्रेट रखना है आपको। हाइड्रेट से मेरा मतलब है पानी आपको खूब पीना है। आपकी आदत बना लीजिए कि जब आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, आप ये मान के चलिए आपके फर्स्ट मंथ से ही आप ये स्टार्ट कर लीजिए, आपको 8 से 10 गिलास पानी पीना है। और जैसे जैसे आप प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है तो आप जो है आपने पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है। 7-8 गिलास हो सकता है, उसको 9 गिलास कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पानी पियेंगे तो भी वो नुकसानदायक है, कम पियेंगे तो भी नुकसानदायक है। बैलेंस कोई भी चीज़ होती है वो अच्छी होती है, तो इसलिए पानी आपको खूब पीना है। इसके अलावा जो आपको ऐसे फ्रूट और वेजिटेबल्स खाना है जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। हालांकि दोस्तों ये देखा गया है कि इम्यूनिटी फ्लूड जो है उसका पानी से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन एक बात आप भी सोच सकते हैं कि वो भी पानी है इम्यूनिटी फ्लूड, और शरीर जो है वहीं से जो है बॉडी से पानी लेके जो प्लेसेंटा के थ्रू यूट्रस में जो है इम्यूनिटी फ्लूड बनाता है। तो अगर बॉडी में ही कहीं पानी नहीं होगा तो प्लेसेंटा पानी लेगा कहाँ से, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो इसलिए बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि प्लेसेंटा और वाटर का कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल इसका कनेक्शन है, तभी तो वहाँ पे यूट्रस में जो है पानी जमा हो रहा है। नहीं तो बॉडी में अगर पानी नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली प्लेसेंटा पानी कहाँ से बना देगा। तो इसलिए पानी खूब पीते रहें, और फ्रूट और वेजिटेबल जो हैं आप अच्छी खाती रहें। इसके अलावा थोड़ा एक्सरसाइज भी करती रहें जिससे जो है बॉडी रिलैक्स रहती है। और इसके अलावा अगर आपके कुछ पहले के कुछ कोई इश्यू हो जिस वजह से जो है ये आपके जो पानी कम बन रहा हो, जैसे आपको ब्लड प्रेशर है, आपको कुछ डायबिटीज़ वगैरह इशू हैं, आपको कुछ हार्मोन की प्रॉब्लम है, आपको कुछ थायराइड है, या फिर और कुछ भी समस्या है लीवर से रिलेटेड, आपके डाइजेशन से रिलेटेड कुछ समस्या है, तो वो भी जो है अगर आप डॉक्टर को बताएंगे या डॉक्टर पहले ही पिकअप कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है।
और नहीं कि पिकअप कर पाते हैं तो आप डॉक्टर को बताइए। तो जिससे क्या है कि वो जो मेन रूट कॉज है उसको ख़त्म कर देंगे, तो जो है आपकी एमनियोटिक फ्लूड जो है वो अच्छे से बन पाएगा। तो ये बातें हैं दोस्तों, इसके लक्षण मैंने बता दिया आपको, आपको जो है इसके निवारण के उपाय भी बता दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।